लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है और मरीजों की संख्या बढ़कर अब 133 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 6 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। KGMU में 73, PGI में 16, RML में 7 मरीज इस दौरान भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रदेश की बात करें तो ब्लैक फंगस बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ये कुल संख्या अभी तक 133 हो चुकी है, जिसमें कि 13 लोगों की गंभीर मौतें हुई हैं। शासन स्तर से बीमारी को दूर करने के लिए हाई अलर्ट पर मेडिकल कॉलेज जरूर रखे गए हैं, लेकिन यदि अभी तक की कहानी समझे तो शासन स्तर से कोई भी ऐसे कार्य नहीं दिख रहे हैं, ना कि हेल्पलाइन नंबर और ना ही कोई कंट्रोल रूम। लेकिन ये जरूर है कि जो लखनऊ में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है वो 40% के आसपास बढ़ गया है। चिंताजनक हालात इसलिए और कहे जाएंगे, चूंकि यदि विशेषज्ञों की बात करें तो ब्लैक फंगस की जो दवा है उसको आने में 15 से 20 दिन लग सकता है। ये एक गंभीर चिंताजनक बात सामने निकल के आ रही। हालांकि यदि शासन स्तर से बात करें तो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लैक फंगस में लगने वाले इंजेक्शन की ऑर्डर पर्याप्त मात्रा में जरूर दे दिए हैं, लेकिन ये मौतें कैसे रुकेंगे और वो इंजेक्शन कितनी जल्दी मार्केट में उपलब्ध होगा, ये एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।